मकसूदनगढ़ में बीमारी के चलते मकसूदनगढ़ निवासी बाबू गुर्जर पिता सामा गुर्जर का निधन मकसूदनगढ़ अस्पताल में हो गया। बाबू गुर्जर के परिवार में उनकी मां के अलावा कोई नहीं था। बाबू गुर्जर की मां अकेली थी और बाबू गुर्जर की मां के पास अपने बेटे बाबू गुर्जर का शव ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे थे। जैसे ये जानकारी हमारे मकसूदनगढ़ पत्रकार साथी टोनी शाह को लगी तो टोनी शाह मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र बाबू गुर्जर की माताजी की मदद करने के लिए पहुंच गए। बाबू गुर्जर की मां को सहायता राशि देकर उनकी मदद की। साथ ही हमारे मकसूदनगढ़ पत्रकार साथी टोनी शाह ने बाबू गुर्जर की माताजी की मदद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और सोशल मीडिया पर बाबू गुर्जर की माताजी की मदद के लिए मैसेज डाल दिया। मैसेज डालते ही मदद करने के लिए लोगों के आगे आने का सिलसिला शुरू हो गया और बाबू गुर्जर के सबका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाबू गुर्जर की माताजी की मदद के लिए कई ऐसे लोग आए जिसमें मुख्य रूप से रहे मकसूदनगढ़ सरपंच जसपाल भिलाला, समाज सेवक हेमराज नेगी, पत्रकार टोनी शाह, गिरिराज पालीवाल, वीरेंद्र सौंदरिया, गुना महेंद्र नामदेव, अमित शर्मा टिल्लू, गोपेश औदित्य, सुरेश सैन, जिन्होंने बाबू गुर्जर की माँ को सहायता राशि दी और बाबू गुर्जर की माँ की मदद की।